दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब में कैब टैक्सी शुरू होगी। यदि आप भी पंजाब या किसी अन्य राज्य में फंसे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें CBSE के बचे हुए एग्जाम का डेट आ चुका है। यदि आपका भी एग्जाम बचा है तो कमेंट करके बताइए। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें PM मोदी 31 मई को तीसरी बार मन की बात करेंगे। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 101,000 के ऊपर पहुँच चुका है, जिसमें से 39,173 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 3,163 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रियंका और योगी सरकार के बीच लेटर वार जारी। कांग्रेस ने लिखा पत्र, शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगी बसें। जी हां, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी की ओर से मंगलवार को एक बार फिर से आगरा के बॉर्डर पर बसें लगनी शुरू करवा दी गई है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने मंगलवार को 12:15 बजे UP अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र कर कहा कि ज्यादा बसें होने के चलते उनकी परमिट लेने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक सभी बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। कांग्रेस के पास वास्तव में है 1,000 बसें तो लखनऊ भेजने में कतई ना करे देर मायावती। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बसों को लेकर चल रहे विवाद के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के पास अगर वास्तव में 1,000 बसें हैं तो उसे उन्हें लखनऊ भेजने में कतई देर नहीं करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया, BSP का यही कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1,000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां भी प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में कहीं भी जाने के लिए अब एक ही जगह से बनेगा ई पास। जी हां, देश ने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश किया है ताकि कोरोना वायरस ज्यादा न फैल सके। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस लॉकडाउन में कई तरह की ढील दी है। अब लॉकडाउन 4 के तहत नए नियम बनाए गए हैं जो आपको थोड़ा और घूमने की अनुमति देंगे। भारत सरकार ने COVID-19 ई परमिट पास के लिए आवेदन करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है जो आपको जरूरत पड़ने पर राज्यों में यात्रा करने की अनुमति देंगे। आपको बता दें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाई गई इस वेबसाइट में 17 राज्यों के लिए ई पास है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राहुल की अपील, कांग्रेस कार्यकर्ता चक्रवाती तूफान अम्फान के खतरे से लोगों को करे आगाह। जी हां, वैश्विक महामारी संकट के बीच चक्रवाती तूफान अम्फान तेज गति से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अम्फान चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अपने पार्टी कार्यकर्ता से अपील की है कि वे लोगों को खतरे के बारे में आगाह करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करें। केजरीवाल की अपील, कोरोना की रोकथाम के लिए अनुशासन में रहे। जहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी की इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए पहल शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन CM अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक गतिविधियों को चालू करने से संबंधित घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि इसके लागू होने के बाद किसी भी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के लोगों के लिए लॉकडाउन में मिली छूट का मंगलवार को पहला दिन है। इस दौरान CM केजरीवाल दिल्ली के लोगों से जिम्मेदारी के साथ अनुशासन में रहने की अपील की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पूरे अनुशासन से रहें और कोरोना को कंट्रोल में रखें। असम में 20 और व्यक्ति हुए कोरोना से संक्रमण का शिकार, अब तक 135 व्यक्ति संक्रमित। जी हां, असम में मंगलवार को 20 और व्यक्तियों के COVID-19 संक्रमित पाए जाने के साथ ही राज्य में इस महामारी के मामले बढ़कर 135 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी नए मरीज विभिन्न जिलों में पृथकवास केंद्रों में रह रहे थे।
हरियाणा राज्य में इस वायरस की जांच को सरकार ने किया फ्रीज। यहां भारत के राज्य हरियाणा में सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने काला पीलिया के साथ साथ हेपेटाइटिस बी के वायरस की जांच निःशुल्क शुरू करवा दी है। लगभग 2 माह पहले हेपेटाइटिस बी के निःशुल्क दवाइयां की सुविधा भी मरीजों के लिए शुरू की गई थी। इसका लाभ प्रदेश के हजारों मरीजों को मिलेगा और आर्थिक अभाव में कोई मरीज उपचार के बिना नहीं रहेगा। नेपाल में कोरोना का कहर जारी, भारत से लगने वाली सीमा 31 तक सील। जी हां, नेपाल देश में कोरोना पॉजिटिव की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कपिलवस्तु जनपद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अकेले कपिलवस्तु जिले में 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। नेपाल ने भारत के बढ़ने से लगने वाली नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अब 31 मई तक सील कर दी है। नेपाल में अब तक 357 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इसमें 36 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 166 हुई। संक्रमण के मामले 10,554। जी हां, दिल्ली में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है, जबकि 500 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 10,554 पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अब 5,638 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में कोरोना से 90,000 से अधिक लोगों की मौत, देश खोलने की जिद में अड़े ट्रंप। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में यहां पर कुल 789 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही मौत की संख्या 90,338 हो गई है। दुनिया में किसी देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों का ये सबसे अधिक आंकड़ा है। बता दें कि अमेरिका में अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर टेस्ट की बात करें तो अब तक यूएस में 1,10,00,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार देश को खोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।